प्रतिपक्ष नेता अंबादास दानवे अकोला दौरे पर हैं और उन्होंने राजेश्वर मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं। बाद में उन्होंने मृतक विलास गायकवाड़ के घर जाकर भेंट दी और शोक व्यक्त की है। राजेश्वर मंदिर से दर्शन करने के बाद विधायक नितिन देशमुख और अंबादास दानवे ने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान दानवे ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सपने में रहना चाहिए। कर्नाटक की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में होगी। भारतीय जनता पार्टी का विनोद तावड़े जी समिति है, इन्हें स्पष्टपने आवाज दिला कि या महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी 38 लोग निवडून येतील, आम्ही तर आता 40 येतील अशा प्रकारचे आमचे प्रयत्न चालू आहेत। तर फडणवीसांनी त्यात स्वप्नात राहावं आणि ह्या कर्नाटकची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात येणाऱ्या काळात या सगळ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे काय काय परिणाम होतील हे दिसतील। ब्युरो रिपोर्ट, क्षितिजा देशमुख।